सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। हाय व्यूअर्स, दिस इज विद्युत फ्रॉम साउटेक नो गाइड। अभी समर सीजन चालू हो गया तो काफी लोग एसी एंड कूलर वगैरह परचेस करना चाहेंगे, तो उस रिलेटेड मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ। तो और एक चीज आपको बता देता हूँ, पहले मैं कुछ एसी एंड कूलर रिलेटेड वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप आपका यूट्यूब का सर्च पेज में जाइए और वहाँ पे #stgsummer तो वो टाइप करेंगे तो हमारा एसी एंड कूलर रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिम्फनी का डायट 12T पर्सनल एयर कूलर का रिव्यू। तो ये एयर कूलर जो है वो साइज में काफी छोटा है, तो आप इसको आपका घर में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं और शॉप वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। और समर सीजन जाने के बाद भी ये साइज में काफी छोटा है, आप घर का कोई भी कोना में इसको रख सकते हैं। तो इसका अच्छा डील का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई भी कूलर चाहिए आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे को बता सकते हैं और मैं आपको एक अच्छा कूलर सजेस्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो ये है सिम्फनी का डायट 12T एयर कूलर। तो मैं यहाँ पे इसका बॉडी का क्लोज लुक आपको दिखा देता हूँ। पहले ओवरऑल आप देख लीजिए, ये कूलर का यहाँ पे उसका ब्लोअर है और नीचे की तरफ वाटर टैंक है और उसका साइड देखने के लिए कुछ ऐसा है और बैक साइड देखने के लिए कुछ ऐसा है और ये एक साइड है और इसका टॉप में उसका स्विच वगैरह है। तो यहाँ से मैं एक क्लोज लुक इसका दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉप से बॉटम तक देखने के लिए कुछ ऐसा है। बॉटम में उसका व्हील है, उसके ऊपर उसका वाटर टैंक है, आप वाटर टैंक का लेवल देख सकते हैं और यहाँ पे उसका लोगो दिया गया है सिम्फनी का और यहाँ पे उसका ब्लोअर है और ऊपर की तरफ उसका कंट्रोल है या स्विच का नॉब है। सेम अभी हम बैक साइड से देखते हैं, तो बैक साइड में देखिए, बैक साइड में देखने के लिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे उसका फिल्टर है और नीचे की तरफ टंकी है उसका और यहाँ पे फिल्टर में भी कुछ स्टाइल दिया गया है, जैसे लीड टाइप का कुछ स्टाइल दिया गया है और यहाँ पे फिल्टर रहता है, फिल्टर के पीछे हनीकॉम्ब भी है। तो ये उसका ब्लोअर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये डीप ब्लैक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे उसका ब्लोअर नहीं है, ब्लोअर ये साइड में है, यहाँ पे ये ब्लैक है और ये साइड में उसका ब्लोअर दिया गया है। तो ये व्हाइट कलर का जो यहाँ पे छोटा छोटा बार दिया गया है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव होता है, जैसे कि यहाँ पे उसका कंट्रोल का नॉब दिया गया है ऊपर और नॉब के हिसाब से आप इसको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं और मैनुअली करने के लिए आपको यहाँ पे एक नॉब दिया गया है जो कि ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा लीवर या नॉब टाइप बोल सकते हैं आप, इसको आप ऊपर करेंगे हवा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे नीचे करते हैं तो हवा नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्लोज लुक थोड़ा दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका नॉब या लीवर बोल सकते हैं आप, कैमरा में आपको दिख रहा होगा। इसको नीचे करते हैं तो देखिए ये नीचे की तरफ हो गया सब, यहाँ पे देखिए सब नीचे की तरफ हो गया और यहाँ से ऊपर करते हैं तो ये ऊपर की तरफ सब हो जाता है। तो आपका अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं और ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे दिया गया है इसको लेफ्ट राइट करना है तो ऊपर नॉब दिया गया है, तो नॉब को आप घुमाते हैं तो लेफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए तो वो पोजिशन में वो रह जाता है। और इसको हाथ में मैनुअली आप मूव मत कीजिए क्योंकि ये खराब हो सकता है। और यहाँ पे उसका नॉब दिया गया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोज लुक आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दो नॉब दिया गया है, एक नॉब है डेडिकेटेड फैन के लिए और दूसरा नॉब जो है वो स्विंग एंड कूलिंग के लिए है। तो यहाँ पे फैन में पहले हाई स्पीड है, उसके बाद मीडियम है और उसके बाद यहाँ पे लो है, तो आपका अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट रहा यहाँ पे कूलिंग एंड स्विंग का, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ऑफ मोड रहता है, अगर एक ही बार आप नॉब को मूव करते हैं तो ये कूल होता है, मीन्स इसका जो वाटर मोटर है ये चालू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है स्विंग एंड कूल, मीन्स ये स्विंग भी होगा विथ मोटर जो है वो पानी को सर्कुलेट भी करेगा और यहाँ पे ओनली स्विंग दिया गया है, मीन्स मोटर बंद हो जाएगा, ओनली ये जो उसका ब्लोअर है ये स्विंग होता रहेगा। और यहाँ पे एक बार कोड दिया गया है, अगर इसको आप मोबाइल में स्कैन करते हैं तो ये कूलर का डिटेल्स आपको वेब पेज में, इसका ऑफिशियल जो वेब पेज है वहाँ पे शो कर देता है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है रिमोट के लिए, अगर आपका कूलर में रिमोट है, जैसे कि ये मॉडल में आपको रिमोट नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है, अगर रिमोट मिलता तो आप रिमोट को ऐसे रख सकते हैं,
जैसे मैं और एक सिम्फनी का कूलर का रिमोट यहाँ पे रखा हूँ, या इस तरफ रिमोट को ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो छोटा सा पोजीशन दिया गया है, यहाँ पे आप आइस भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे ओपन हो जाता है और इसके नीचे आप आइस डाल सकते हैं। मैं कैमरा में दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ आपको। तो ये जो जगह दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आइस डाल सकते हैं। तो वीडियो का आगे मैं आपको आइस डाल के दिखाऊंगा। और इसको लगाने के टाइम में पहले जो ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पे रखना है, और इसको प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे लग जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोटो दिया गया है जो कि लिखा गया है विथ मल्टी स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है हनीकॉम के ऊपर फिल्टर, तो ये काफी स्टेज में दिया गया है। जैसे कि कंपनी के हिसाब से पहले जो स्टेज रहता है वो बैक्टीरिया फिल्टर रहता है, उसके बाद जो रहता है वो स्मेल फिल्टर रहता है, उसके बाद जो रहता है वो पीएम 2.5 वाश फिल्टर रहता है, उसके बाद यहाँ पे डस्ट फिल्टर रहता है, और लास्ट में जो है ये है एलर्जी फिल्टर। तो इतना फिल्टर के बाद ही जो एयर जाता है वो इतना फिल्टर को पास करके ही आगे जाता है। तो ये आईपीओर टेक्नोलॉजी है जो कि सिम्फनी की तरफ से है। और ये साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स वगैरह दिया गया है, सर्विस सेंटर का नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। और नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ स्टिकर लगाया गया है जो कि लिखा गया है ये फैन जितना ही बिजली आपका लेता है, और इसको आप आपका घर का इन्वर्टर में चला सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है इसको आप आउटडोर भी यूज कर सकते हैं, और लास्ट में दिया गया है ये फ्रेश एयर जो है वो डिलीवर करता है। और पूरा नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा व्हील दिया गया है, और ये व्हील जो है ये काफी फ्लेक्सिबल है, अगर आप इसको कैसे भी मूव करते हैं तो ये आराम से मूव हो जाता है। और इसका जो पानी का टंकी है यहाँ पे दिया गया है, ये टैंक जो है ये 12 लीटर का है, तो इसके अंदर 12 लीटर का पानी रहता है। तो आप उससे थोड़ा सा कम पानी रखिए क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो होने का चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसका ओवरफ्लो का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। अगर ज्यादा पानी आप डाल देते हैं तो यहाँ से ये ओवरफ्लो हो जाता है। और ड्रेन करने के लिए नीचे की तरफ एक दिया गया है, उसको निकाल देते हैं तो पानी जो इसके अंदर है वो ड्रेन हो जाता है। और बैक साइड में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप पानी यहाँ से भर सकते हैं, इसको ऐसे आप बाहर खींच दीजिए और यहाँ से आप कोई भी मग वगैरह से पानी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हम कूलर को चालू करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी लाइट इंडिकेटर वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसका आवाज कितना आता है, और ये हाई स्पीड में है। उसके बाद मीडियम करते हैं, उसके बाद ये सबसे लो साउंड है उसका। और राइट साइड में अगर मूव करते हैं तो इसका जो मोटर है या पंप बोल सकते हैं, वाटर पंप, वो चालू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे राइट घुमाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विंग हो रहा है। जैसे मैं आपको पहले बताया था ये स्विंग होता है, अगर आपको स्विंग नहीं करना है, कोई भी डायरेक्शन में रखना है, ये जब मूवमेंट होता है वो मूवमेंट के टाइम में आप इसको चेंज कर देना है तो वो पोजीशन में ये फिक्स हो जाता है। तो यहाँ से हम ये डीबी मीटर में इसको चेक करेंगे इसका नॉइज कितना है। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये 72.2 या 3 डीबी तक जाता है, या 72-75 डीबी तक ये फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोजीशन तक आता है। तो मीन्स आप अगर आपका बेड के सामने भी रखते हैं तो इतना पोजीशन तो कम से कम आपको हवा मिल जाता है, और नीचे की पोजीशन आपका बेड का पोजीशन तक रहेगा। तो अभी हम इसमें चिल वाटर डालेंगे एंड आइस क्यूब वगैरह कुछ डालेंगे और देखेंगे रूम टेम्परेचर से इसका कूलिंग कितना कम होता है, मीन्स ये कूलर कितना कूल कर देता है आपका रूम को। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था कंपनी का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको जब भी इसके अंदर आइस डालना है तो पहले आप पावर ऑफ कीजिए, उसके बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसको पानी डालने के लिए जस्ट इसको पुल कर दीजिए, और यहाँ पे मैं कुछ फ्रिज का बोतल लेके आया हूँ पानी डालने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ चिल वाटर यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ आइस का क्यूब डालते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ आइस का क्यूब लाया हूँ, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं। और यहाँ पे जितना कैपेसिटी है उतना ही डालिए, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो यहाँ पे ये कवर जो है वो बंद नहीं होगा। तो उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। तो कूलर को चालू करने से पहले
आप आपका घर का जो खिड़की है या दरवाजा है उसको खुला रखिए। अगर बाहर से फ्रेश एयर आता है तो ये इजीली आपको ज्यादा कूलिंग दे पाता है। तो अभी हम इसको चालू करते हैं। तो अभी ये कूलर कम से कम 4-5 मिनट चालू हुआ है। तो यहाँ पे जो थर्मोमीटर है, मैं पहले यहाँ पे रूम का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 27 डिग्री है। तो अगर हम कूलर के ऊपर फोकस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24 डिग्री हो गया है। मीन्स ज्यादा टाइम अगर रनिंग होता है तो कूलिंग धीरे धीरे कम होता है, मीन्स आपको अच्छा ठंडा मिल पाता है। तो ये कूलर का कुछ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे कि ये कूलर जो पावर कंज्यूम करता है ये 170 वाट का है, मीन्स ये एक फैन या फैन से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम करता है। और सेकेंड थिंग, इसमें 12 लीटर का वाटर टैंक है। अगर आप ज्यादा चलाते हैं तो आपको ज्यादा पानी भरना पड़ेगा इसमें। और सेकेंड थिंग, ये 100 स्क्वायर फीट का एरिया को अच्छा से कूल कर पाता है। और इसका वेट जो है वो 7.7 kg का है। और ये आपका घर का जो इन्वर्टर है इसमें भी ये आराम से चल पाता है। मीन्स अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, आपका पावर कट ज्यादा होता है, तो भी घर का इन्वर्टर में आप इसको चला सकते हैं। आशा करता हूँ ये पर्सनल एयर कूलर का रिव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज जो है उसमें लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।